नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू करते हैं अपन, उसमें अपन ने ये देखा था कि नाइट्रेट्स और जो अमोनियम है दोनों अगर अवेलेबल है तो दोनों की अवेलेबिलिटी होने पर प्लांट जो होते हैं वो अमोनियम आयन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसके यूज करने से उनको एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। अदरवाइज अगर नाइट्रेट्स का उपयोग करेंगे तो उसमें दूसरे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको अवॉइड करते हैं प्लांट। तो ये कम खर्चीला प्रोसेस है कि ये प्लांट जो है दोनों के उपलब्ध होने पर किसका यूज करेंगे, अमोनियम का यूज करेंगे, क्योंकि ये कम खर्चीला प्रोसेस। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि पुराने जमाने में 1950s तक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था उसके बारे में ये तीन बातें थी जो सारी किताबों में लिख रखा है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर है एरोबिक कंडीशन में, क्लोस्ट्रिडियम जो है एनरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसी प्रकार सिम्बायोटिक जो होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें रहता है, उनमें सबसे खास है ये राइजोबियम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया के रूप में एनाबिना और नॉस्टॉक जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन अब क्या है कि नई नई चीजें सामने आ रही हैं, उसमें से एक पॉइंट यह आया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे रोडोस्पाइरिलियम और स्यूडोमोनास लाइक सॉइल बैक्टीरिया, इनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी जो है वो पता लगी है। एक ये नया पॉइंट हो गया। एक्टिनोमाइसिटीज एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, ये जो होता है एल्डर्स एक प्लांट की पूरी पूरा ग्रुप है एल्डर्स, इसका उदाहरण है एलनस, इनके अंदर रूट नोड्यूल्स में रहकर ये भी राइजोबियम की जिस तरह की क्षमता होती है उसी के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी कर सकता है। इसी प्रकार जो ओशन होते हैं, ओशन के अंदर ट्राइकोडेस्मियम नामक एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन इसके लिए अपने को आयरन की प्रेजेंस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये पूरा प्रोसेस आयरन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, इसलिए आयरन की प्रेजेंस अगर नहीं होगी ओशन के अंदर तो ये बैक्टीरिया फिर काम नहीं कर सकता, तो ये कंडीशनल हो गया है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग बैक्टीरिया जो है उनका पता लगा है, और ये नई नई चीजें अपन अगले लेक्चर में और देखते हैं। डीनेट्रिफिकेशन ये जो क्रिया है ये भी माइक्रोब्स द्वारा प्रेरित रहती है, सूक्ष्म जीवी जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं या इसको अंजाम देते हैं। इस क्रिया में बेसिकली होता यह है कि जो नाइट्रेट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, एक स्टेप में नहीं होता, ये क्रिया दो तीन चरणों में होती है, और इन चरणों में जो मध्यवर्ती चरण है उनके अंदर जो गैसीय नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरह की गैसेस प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, बिल्कुल स्पष्ट है यहां। ये क्रिया अगर अपन एक लाइन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नाइट्रेट्स जो है इनको नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला गया माइक्रोब्स द्वारा, और अंत में ये गैसेस नाइट्रोजन मिलके वापस से वातावरण में मिला दी जाती है, वायुमंडल में मिला दी जाती है। अब ये दूसरा पॉइंट यहां से शुरू होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने अगर एक बार नाइट्रोजन ले ली तो वो नाइट्रोजन उनके शरीर के अंदर जब तक वो जिंदा है जब तक बनी रहेगी, ठीक है। वो बात अलग है कि पेड़ की कटाई हो जाए या जानवर उसको चर ले जाए या कोई दूसरी वजह से वो आंधी तूफान में पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन नॉर्मल अगर एक प्लांट है उसके अंदर अगर नाइट्रोजन इंटेक हो गया है सूक्ष्म जीवी द्वारा तो वो नाइट्रोजन तब तक रहेगी जब तक वो प्लांट अलाइव है। ये पॉइंट यहां पे लिख दिए। अगर अपन एनिमल्स या प्लांट्स दोनों के संदर्भ में बात करें तो जंतु या तो प्लांट से या दूसरे जंतुओं के माध्यम से, जैसे कार्निवोरस जंतु है वो तो प्लांट्स खाते नहीं है तो उनके अंदर नाइट्रोजन कहां से प्रवेश करेगी, तो नेचुरल है वो जब किसी दूसरे जंतु को खाएंगे तो उनके शरीर में वो पोषक तत्व जो है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तो नाइट्रोजन उन्हीं के माध्यम से उसके शरीर में जाएगी। तो जंतु के शरीर में प्लांट के तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स तो सॉइल से ले रहे हैं, जंतु जो है वो या तो प्लांट से ले रहा है या एनिमल से ले रहा है। शाकाहारी जंतु है तो प्लांट से ले रहा है, मांसाहारी जंतु है तो वो एनिमल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन को ले रहा है, और उसकी डेथ के बाद ये पुनः जो है जैसे वो जंतु की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जो उसका डिकम्पोजिशन होगा जैसे प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है उसी प्रकार से वो डिकम्पोजिशन के बाद में जो नाइट्रोजन है
वो ऑर्गेनिक मैटर के माध्यम से होती है, धीरे धीरे वो भी सॉइल के अंदर मिला दी जाती है और उसका भी वही असर होता है जो प्लांट की नाइट्रोजन का होता है। ये डीनाइट्रिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि ये अल्टीमेटली वापस से गैसियस नाइट्रोजन जो होती है ये एनवायरमेंट में मिला दी जाती है। ठीक है, साइकिल को समराइज फॉर्म में देखने के लिए एक ये लाइन डायग्राम आपके लिए बोर्ड पे मैंने शो किया है। इसकी जो स्टार्टिंग है, सपोज कीजिए अपन यहां से करते हैं, पहला स्टेप है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पर रहते हैं, खासतौर से राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया, ये उसको अवशोषित कर लेते हैं अपने स्वयं के उपयोग के लिए। ये कार्य आयरन की प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम सारे ट्रेस एलिमेंट चाहिए होते हैं तब जाके काम पूरा होता है। मैंने पहले कह दिया था अपन इसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं। तो बड़ी एक जटिल क्रिया होती है जिसके माध्यम से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सॉइल वाले जो बैक्टीरिया है जो कि काम रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर, जड़ों की गांठों के अंदर, वो ले लेते हैं और ये वहां प्रवेश कर जाती है। एक पॉइंट तो यहां क्लियर हो। दूसरा, अगर ये रूट नोड्यूल्स नहीं है तो दूसरा प्रोसेस क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, अल्टीमेटली ये प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स जो होते हैं ना इस काम को अंजाम देते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहे इस विधि से हुआ हो चाहे इस विधि से हुआ हो, ये नाइट्रोजन किसमें चली गई, प्लांट्स के अंदर चली गई और इसको कन्वर्ट कर दिया गया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा अमोनियम आयन्स के अंदर। और ये अमोनियम आयन्स जो होते हैं ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहां पर ये जो दूसरा स्टेप है यह है अमोनिफिकेशन, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन को तो काम में नहीं ले सकते आप, उसको अल्टीमेटली आपको ले जाना कहां है ये तो सोचे अपन, इसको अपने को अल्टीमेटली ले जाना जंतुओं के या प्लांट्स के शरीर में। तो ये या तो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में जाएगा या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जाएगा, मेनली ये दो रूप होते हैं ऊर्जा उत्पादन में काम में आने वाला एलिमेंट है। तो ये पहला स्टेप हुआ अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनियम का निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ और ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रिफिकेशन की क्रिया द्वारा इस अमोनियम को नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल देते हैं, नाइट्राइट में। ये स्टेप हुआ तीसरा। ठीक है, अब अमोनियम को नाइट्राइट में बदल लेंगे, ये नाइट्राइट जो है यही नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, सेम यही बैक्टीरिया इस स्टेप को भी अंजाम दे देते हैं तो ये नाइट्रेट में बदल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ये कितने स्टेप का हो गया, ये हो गया दो स्टेप का प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन, जिसमें पहले स्टेप में अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया, फिर इन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया। अब इन नाइट्रेट्स को ये प्लांट्स ले सकते हैं इस तरह से है। ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पोषक पदार्थों को अपने उपयोग में लाने लायक बना देना, दिस इज एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन प्लांट्स ने कर लिया, अब जो शाकाहारी जंतु थे उन्होंने इन प्लांट्स को खाया तो ये जो है नाइट्रेट जो है ये प्लांट से एनिमल के शरीर में चले गए। अब पैरेलली क्या हुआ कि ये जो नाइट्रेट थे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ये भी सॉइल के अंदर होते हैं। ये प्रोसेस जो है ये फोर्थ स्टेप हो जाता है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। एक चक्र तो यहां से निकलता है प्लांट्स के अंदर, एक चक्र निकल जाता है वापस से ये एटमॉस्फेयर के अंदर, इस तरह से है। प्लांट्स की भी मृत्यु होगी, एनिमल्स की भी मृत्यु होगी, एनिमल्स की मृत्यु होगी, प्लांट्स की मृत्यु होने के बाद इसको कौन डिकम्पोज करेगा, सूक्ष्म जीवी। ये सूक्ष्म जीवी एरोबिक या एनरोबिक बैक्टीरिया या फंगस हो सकते हैं और ये इसको वापस से किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अमोनियम में। तो ये प्रोसेस है मॉडिफिकेशन। तो इस अमोनियम आयन के निर्माण की क्रिया जो होती है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो इस पाथवे से या इस पाथवे से। ये साइकिल जो है बड़ी जटिल होती है, कई जगह ये अलग अलग माइक्रोब जो है इसको अंजाम देते हैं। अपन पढ़ रहे हैं गैसियस साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स में आपने अभी
पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल और ये नंबर टू पे है कार्बन साइकिल। रिमेनिंग साइकिल्स हैं जैसे ऑक्सीजन और वाटर साइकिल, ये भी गैसीय साइकिल की कैटेगरी में ही आती है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन साइकिल। तो अपने को ये पता है कि कार्बन जीवन का एक प्रमुख घटक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो दूसरे पोषक पदार्थ हो, कार्बन जो होता है लगभग सभी में उपस्थित रहता है अलग अलग रूपों में। ये क्या हो गया, एक जीवन का बेसिक एलिमेंट है, यहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जल जो है, वाटर, ये भी जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कार्बन जरूरी है। तो ये दो साइकिल्स जो होती हैं, ये लाइफ के अंदर यानी कि लाइफ को सस्टेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल। ये अगर अपन बात करें तो दोनों साइकिल में एक छोटा लेकिन एक्टिव एटमॉस्फेरिक पूल होता है, रिजर्वायर पूल जिसे अपन कहते हैं ना, वो होता है एयर के अंदर हो, चाहे वो सॉइल के अंदर हो, चाहे वो वाटर के अंदर हो, दोनों के अंदर होता है। मनुष्य द्वारा जनित क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ऐसा होता है कि ये वाटर और कार्बन दोनों बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये चीज आपको समझनी है, ह्यूमन यानी कि मैनमेड एक्टिविटीज या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा अगर कोई साइकिल प्रभावित होती है तो कौन सी है भाई, वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल। तो इन क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों वो इस प्रकार प्रभावित होते हैं कि उनसे पृथ्वी पर उपस्थित जो लाइफ है, जो जीवन है, वो प्रभावित हो जाता है। और आधुनिक काल में आपका आजकल छोटी क्लासेस से पढ़ा दिया जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ग्रीन हाउस तो एक्चुअली एक अच्छी चीज है जिसके माध्यम से अपन प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको ग्रो करा सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस करती है अपन ये कि जो पॉल्यूटेड गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य गैसेस के साथ मिलकर एक कवर बना देती है अर्थ के ऊपर, और उससे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन आते हैं सन से, वो अर्थ के सरफेस से टकराकर जो है वापस लौट जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस इस प्रकार का आवरण बनवा देती हैं अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कि वो कार्बन, वो हीट जो होती है ना, वो वापस से टकरा के वापस से पृथ्वी पर ही आ जाती है। एक तो स्थिति ये थी कि सन से आने वाली हीट सतह से टकराई और लौट गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई वो। अब क्या हुआ कि बीच में ही आ तो गई वो पृथ्वी की सतह पर, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी तो एक बैरियर आ गया, किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। और उन ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, उसको हीट रेडिएशन को वापस से पृथ्वी की तरफ भेज दिया। तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इसी को अपन नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उस ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उनमें सबसे जो ड्रास्टिक इफेक्ट है पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जो ध्रुव है उन पर जो बर्फ जमा है वो पिघलने लग जाती है। तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि जल का, समुद्री जल का लेवल उससे बढ़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे, और ओशन में, समुद्र में उपस्थित जो कार्बन और लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी की सतह पर अन्य कई रूपों में कार्बन बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सब एटमॉस्फेरिक कार्बन ज्यादा है या अर्थ क्रस्ट या लिथोस्फीयर में कार्बन ज्यादा है, तो ये लिथोस्फीयर में अधिक है, लिथोस्फीयर। और इस रूप में किसे कहते फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ओशियन में, यहां पर कार्बन के बड़े भंडार है एटमॉस्फेरिक कार्बन की तुलना में। ये एक पॉइंट हो गया आपके लिए। फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से और साथ साथ में दूसरी एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से खेती और साथ में डिफॉरेस्टेशन जंगलों के कटने के कारण, उसका परिणाम क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वे बढ़ती जा रही है और यहीं से कार्बन साइकिल की तरफ अपन अग्रसर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बन साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है यानी कि इसका जो उत्पादन है उसके प्रमुख सोर्स क्या है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस प्रकार के उत्पादों को जलाना, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है ना, और एक बड़ा सोर्स है जिसको अपन नजरअंदाज कर देते हैं कई बार, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड बाय वोल्केनिक इरप्शंस।
दूसरा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल जो सोर्सेज हैं उनसे भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये कार्बन के स्रोत के रूप में कार्य करती है। अब ये देखना है कि जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर एवरेज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड 2019 का ये डेटा है वो है करीब 409.8 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, 409.8 पीपीएम है। वैश्विक स्तर पे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कभी नहीं थी पिछले 8 लाख वर्षों में। तो एक बड़ी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अभी एटमॉस्फेयर में है जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इस तरह के काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर अपन इकोलॉजी के संदर्भ में बात करें कार्बन और अन्य एलिमेंट्स उनके जो रिजर्वायर्स हैं, उनके जो भंडार हैं, उनका जो रिजर्वायर पूल और उनका जो एक्सचेंजेबल पूल होता है, अर्थात एक तो वो है जहां पर उनका भंडार है, एक वो है जहां पर वो काम करते हैं फिर वापस से रिजर्वायर में चले जाते हैं, साइकिलिंग हो जाती है उनकी, तो उनके मध्य जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब है लगातार साइकिलिंग होना, वो फ्लक्स जो है वो आजकल आधुनिक समय में जो लैंडस्केप मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है ना, जमीन का किस प्रकार से क्या कह सकते हैं ना गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, लैंडस्केप मिसमैनेजमेंट करती है कि पृथ्वी की सतह का गलत प्रकार से असंतुलित रूप से उपयोग होना, उसके कारण से ये बिगड़ गया है, हिंदी में बदल गया है। इंपॉर्टेंट रीजन है पॉल्यूशन जो है वो कार्बन साइकिल में बदलाव का एक प्रमुख कारण है। तो लैंडस्केप का यूज बदल गया है तो ये जो फ्लक्स था किसके मध्य, रिजर्वायर पूल और एक्सचेंज पूल के मध्य जो फ्लक्स था, फ्लक्स का मतलब है लगातार एक्सचेंज होना, वो बदल गया है। और इसका परिणाम क्या है कि पृथ्वी पर जो है वो ग्रीन हाउस कवर है उसके अंदर वृद्धि हुई है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस कवर में वृद्धि करके अपन ग्रीन कवर में वृद्धि करके मतलब जंगल लगा के सीधा बोले तो ग्रीन कवर में वृद्धि करके अपन इससे काफी हद तक जो है वो सुरक्षा पा सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब उसका अवशोषण, उसका जो प्रमुख स्रोत है उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है जो ये काम करती है। अब यहां पर एक पॉइंट और है वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो सोर्स अपन ने लिख दिया ये फॉसिल फ्यूल का जलना और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन और वोल्केनिक इरप्शन इस तरह की एक्टिविटी, इसके अतिरिक्त समुद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है, जंतु प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन से वो अलग है लेकिन जंतुओं द्वारा की गई क्रियाओं, अब इसमें दो प्रकार के जंतु ही मान लीजिए आप, एक तो है कोरल रीफ बनाने वाले सीलेंड्रेट्स और एक है ऐसे जंतु जो अपने चारों तरफ शेल बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जब निर्माण होता है जंतुओं द्वारा, चाहे वो सीलेंड्रेट्स हो चाहे वो दूसरे कोई प्रोटोजोन्स हो जिनके चारों तरफ शेल रहता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब निर्माण होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है और ये समुद्री जल में मुक्त हो जाती है। तो अपन हमेशा ये नहीं कह सकते कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो समुद्र में बन रही है वो हमेशा स्थिर रहेगी, उसकी मात्रा बदलती रहती है। अब आपके सामने एक नया सोर्स आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। ये कौन कर रहा है, कैल्सिफाइंग जंतु, ये कैल्सिफाइंग जंतु कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म इस काम के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये समुद्र जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के रूप में, सिंक का मतलब उस पर डूब जाना, कार्बन डाइऑक्साइड के डूब जाना के रूप में ये हमेशा काम नहीं करता, ये हम कई बार ये उसके एमिशन में भाग लेता है जैसा आपके सामने दिख रहा है। अब यहां से दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है इस जगह से जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, समुद्र जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है उसको अवशोषित करना, एक तो होता है एमिशन, एमिशन का मतलब होता है उसका निकालना, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है उसको अवशोषित करना। तो समुद्र एक जगह तो ये आपने जंतुओं के माध्यम से ये लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होकर और ये जल में मिल गई, दूसरी तरफ अपन ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन इसका मतलब होता है कि समुद्र के अंदर इसको अवशोषित कर लेने जा रहा है, जो काम होता है वो भी समुद्र करता है उसको अपन देखते हैं। कार्बन साइकिल को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, अपन ये देखते हैं कि समुद्र जो है, समुद्री आवास जो है वो दोनों काम कर रहा है, सिंक का भी काम कर रहा है, सिंक अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी हो रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जल में घुली रह जाती है।
तो यहां पर जो मेन पॉइंट है, समुद्र में जो 40 एटमॉस्फेरिक कार्बन की मात्रा है, ये मुख्य रूप से डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन और बाइकार्बोनेट के रूप में उपस्थित होती है, जो कि कार्बन रिजर्वायर का कार्य करती है, इंपॉर्टेंट है। अतः जो समुद्र है उसमें और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों में इनके मध्य एक प्रभावशाली बफर रहता है, मीन्स समुद्र से निकल के एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से निकल के समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिलिंग होती रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल का एक प्राइमरी सोर्स है ये वाला स्टेप। ये वो बिंदु है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको एमएससी के लेवल पे समझना है, अदरवाइज क्या होता है कार्बन साइकिल तो एक लाइन में पूरी हो जाती है, वो स्कूलों में 9वीं 10वीं पढ़ा देते हैं। ये चीजें आप सीखिए। अब दूसरा पॉइंट है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन के अन्य स्रोत क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अल्प मात्रा में जो कार्बन निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी निकलती है, जिसकी मात्रा होती है लगभग 10 ppm। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि फॉसिल फ्यूल मैक्सिमम जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल्स के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा जो फ्यूल बर्न होता है उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है 0.1 ppm, उससे करीब 100 गुना अधिक है शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर आपने एनिमल फिजियोलॉजी अगर आपने ठीक से पढ़ रखी तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के रिवर्सिबल बॉन्डिंग कर देती है, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रभावित हो जाता है इससे, तो टॉक्सिक गैस है बेसिकली। इसी के साथ साथ मीथेन है, इसकी जो सांद्रता है ये है करीब 1.5 ppm, ये भी कार्बन का एक स्रोत है और इसका निर्माण जो होता है वो जैसे आप पढ़ते हैं गोबर गैस, यानी कि गोबर से जो गैस बनती है उसमें मीथेन एक प्रमुख गैस होती है, एक तो वो सोर्स है। दूसरा है कि जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज होती है जमीन के अंदर ड्रिल करना, माइनिंग एक्टिविटीज या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम निकालने के लिए जो ड्रिलिंग होती है वो जमीन के गर्भ के अंदर ये मीथेन छुपी हुई है, तो ये मीथेन वहां से निकल के आती है। तो ये मीथेन जो होती है अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोला ना, मीथेन साथ में किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर जब ये दोनों ऑक्सीडाइज होती हैं तो ये क्या बना देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं। ये देख लो आप, बात कर रहे हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों से भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रही है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, या समुद्रों के अंदर वो अवशोषित हो जाती है किसी एल्गी के द्वारा या किसी अन्य जल स्रोत में एल्गी के द्वारा, है ना। तो ये तो हो गया अवशोषण की बात, लेकिन जब वो निकलती है तो निकलने के कई सोर्सेस हैं। ये है कार्बन साइकिल को समझने का एक तरीका, इसको एक साइक्लिक फॉर्म में आपको मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूं। कार्बन साइकिल को यदि अगर मैंने चक्रीय रूप से शॉर्ट में दर्शाया तो कुछ इस प्रकार का एक लाइन डायग्राम सामने बन के आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और दूसरे स्रोत से प्राप्त कार्बन, जैसे मैंने बताया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, उनके ऑक्सीडेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मीथेन, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये इनसे निकल के और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल टाइप का ये एक रूप ले लेती है, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आ जाती और एनिमल रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हो रही है, प्लांट रेस्पिरेशन से भी CO2 निकल रही है, यहां से भी CO2 निकल रही है, सारा CO2 इधर आ गया। अब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स ने ये CO2 यूज किया और अपना भोजन संश्लेषित किया, अपना भोजन निर्मित किया। अभी प्लांट्स की मृत्यु हो गई तो ये कार्बन जो है ये भूमिगत हो गया, जमीन में चला गया, और ये ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये बहुत अधिक दाब पे, अधिक क्या कह सकते हैं, अत्यधिक प्रेशर पे अगर जमा हो जाते हैं तो इनसे फॉसिल्स बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, जिनको आजकल अपन जो है जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, वो भी निर्मित हो जाते हैं या फिर कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भूगर्भीय कार्बन के रूप में चला गया है, चाहे वो जंतु की मृत्यु से हुआ हो, चाहे वो प्लांट्स की मृत्यु से हुआ हो,
वो कार्बन कहां में चला गया, जमीन में चला गया। अब ये रूट से रेस्पिरेशन हुआ तो भी क्या कह सकते हैं ना, CO2 निकलेगी। तो ये CO2 जो होती है ये कई रूपों से निकलती है, जैसे इंडस्ट्रीज से, प्लांट से, एनिमल से, इनसे निकलती है। ओशन जो होता है समुद्र, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक सीक्वेस्ट्रेशन यानी कि उसके अवशोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बफर होता है, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जाना इसके अंदर चलता रहता है। तो ये क्रिया बड़ी संतुलित तरीके से होती है जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अपने को पता है कितनी होती है, 0.03% के आसपास ही है। ठीक है, ये साइक्लिंग प्रोसेस है। अब इसके अंदर अपन गड़बड़ी कहां करते हैं, मींस ह्यूमन, अपन से मतलब ह्यूमन बींग से द्वारा गड़बड़ी कहां होती है, वो होती है बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से। अपन ने इसको बिगाड़ दिया, एग्रीकल्चर से इसको बिगाड़ दिया, जो है बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए इंडस्ट्रीज लगा दी, जंगल काट दी, ये सारी चीजें जो है ये पूरे कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है।